Hey guys, what's up? This is me, Mavish Afonso, and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really well. So, आज के वीडियो में मैं अनबॉक्स करने जा रही हूँ मेरा न्यू आईफोन जो कि है आईफोन 13. मैंने रिसेंटली परचेज किया है बिकॉज एन इंसिडेंट टुक प्लेस जस्ट फ्यू डेज अगो, और उसके कारण मेरा जो ओल्ड आईफोन 11 था वो पानी में बह गया है. सो मुझे नया फोन लेना पड़ा था एंड देन आई गॉट आईफोन 13. सो आज हम करने जा रहे हैं आईफोन 13 का अनबॉक्स. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बहुत दिनों से मैं ये वीडियो करना चाहती थी लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, तो फाइनली आज मैं ये शूट कर रही हूँ. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. तो गाइस, शायद बाहर बारिश हो रही है तो फिर आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देगा, तो प्लीज इग्नोर करना. ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ये नेचर देना चाहता है मेरे वीडियो में, तो प्लीज इग्नोर करना. जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. ये जो वीडियो है वो ज्यादा लंबा भी मैं नहीं करना चाहती हूँ. तो ये है मेरा आईफोन 13 जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है. शायद कुछ चीज़ें नहीं दिखाना चाहिए ना, तो मैं पीछे का पार्ट नहीं दिखाऊंगी, सीधा खोल के आप लोगों को दिखाऊंगी. ओके, सो 3, 2, 1. ऑलरेडी एक और बात, मैंने आईफोन 13 जो है वो ऑलरेडी ओपन किया था शोरूम में ही, बिकॉज वो सब सेटिंग वेटिंग करना होता है ना वो मुझे नहीं आता है उतना अच्छे से, तो वो लोग से ही मैंने करवा के लिया था. इसके वजह से वहाँ पर ये करना पड़ा था, मुझे खोल के ये सब कुछ यूज़ करना पड़ा था. तो आप लोगों को एक रिव्यू की तरह दे दूंगी. ठीक है, 3, 2, 1 गो. काफी अच्छा है ना. और ये लाइट पिंक कलर में है, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल था लेकिन मैंने सोचा कि चलो लाइट पिंक में लेती हूँ. मेरा जो आईफोन 11 था वो व्हाइट कलर में था और ये लाइट पिंक में है. अगर पर्पल कलर में रहता था ना तो मैं लेती थी, लेकिन पर्पल कलर में आई थिंक अवेलेबल नहीं था, इसके लिए मैंने नहीं लिया. और इसके अंदर आपको कॉर्ड मिलता है लेकिन आपको अडेप्टर नहीं मिलता है, वो सेपरेट अलग से लेना पड़ता है आपको. और ये पेन वगैरह मिलता है और फिर कुछ बुक्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, वो इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल वो सब आता है. तो मैंने ऑलरेडी फ़ोन ऑपरेट किया है. ये है मेरा वॉलपेपर करके. सो या ये जो आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन आईफोन 11 एंड आईफोन 13, मेरे पास दो ही थे तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस मुझे महसूस हुआ वो मैं आप लोगों को बोलूँगी. तो जो आईफोन 11 था ना वो हल्का था, इट वॉज वेरी लाइट, और आईफोन 13 जो है वो थोड़ा हैवी है. ओके, एंड आईफोन 11 वॉज वेरी थिन, बहुत पतला था, और ये उतना पतला नहीं है. एंड आईफोन 11 की ऑब्वियसली कैमरा क्वालिटी अच्छी है लेकिन आप जितना अपग्रेड करते हो उतना अच्छा आपका कैमरा क्वालिटी भी होती है. तो फिर ये जो आईफोन 13 है उसका भी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. आई मीन इट्स जस्ट टू गुड एंड आई लव इट. क्योंकि देखो, हम लोग आई एम एन इन्फ्लुएंसर एंड आई हैव टू शूट वीडियोज ऑन यूट्यूब, ऑन शॉर्ट्स, ऑन रील्स, क्लिक पिक्चर्स, तो ये सब मुझे करने होते हैं. तो इसकी वजह से मुझे एक आईफोन अच्छा कैमरा की ज़रूरत होती है. तो कैमरा तो नहीं लूँगी मैं अभी, जब बजट में होगा तभी लूँगी. तो इसके लिए आई थॉट ऑफ गोइंग फॉर आईफोन, सो आईफोन 13. बिकॉज क्या है ना कि हम लोग ये आसानी से कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं. नाउ इट्स लाइक इट्स बीन 3 years आई वॉज यूजिंग आईफोन, सो आई एम यूज टू यूज आईफोन्स, एंड इट्स वेरी हैंडी. आप कहीं पर भी शूट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. वेर एज अगर आपको अगर मैंने कैमरा लिया होता था तो आई हैड टू बाय सेपरेट फोन, ऊपर से कैमरा भी मुझे सेपरेट कैरी करना होता था, वो हैवी हैवी. सो आई थिंक दिस वॉज अ गुड ऑप्शन एंड अ गुड इन्वेस्ट ऑल्सो. And yeah. So guys, अगर आपको कुछ भी questions है इस फोन के रिगार्डिंग, आपको कुछ भी पूछना भी है तो फिर आप प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ देना, मैं आप लोगों को उसका जवाब दे दूंगी.
So yes guys, that's all for today, and thank you so much for watching this video till the end, and I really hope that you all must have enjoyed watching this video. If yes, then please don't forget to like, share, comment and subscribe. And I know ki ye video bahut zyada short hai, बट बस एक रिव्यू देना था, बस एक अनबॉक्स करना था मुझे मेरा न्यू आईफोन. ऑब्वियसली आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर करना जरूरी था ना. इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो कुछ भी हो जाए मैं शेयर कर दूंगी. बॉक्स तो मेरे पास था तो बस आईफोन अंदर डाल दिया और अनबॉक्स कर दिया. अभी कैसे आप लोगों से छुपाऊं आईफोन लिया है, थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा ना. सो बाय बाय, सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो. टिल देन subscribe. Bye bye, love you all.